वन प्लस लॉन्च करने जा रहा है OnePlus 8T। 14 अक्टूबर को यह फ़ोन जो है लॉन्च करने वाला है। क्या यह फ़ोन कॉपीड है या फिर कोई दूसरा फ़ोन रीब्रांडेड करके ला रहा है OnePlus? आज इस वीडियो में हम जानेंगे, तो आप वीडियो को देखते रहिए अंत तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं OnePlus 8T के कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में। कुछ तो इस कंपनी के CEO पीट लव उन्होंने कन्फर्म कर दिए, जैसे कि डिस्प्ले में 6.5 इंचेस का एक फ्लूड एमोलेड डिस्प्ले आने वाला है, साथ ही साथ 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला है। साथ ही साथ उन्होंने कंफर्म किया इस फोन की ब्राइटनेस जो है वो 1100 निट्स तक रहने वाली है, और साथ ही साथ स्क्रीन टू बॉडी जो रेशो रहने वाला है इस फोन का वो 91.9% रहने वाला है। ये चार बातें तो उन्होंने कन्फर्म कर दी। साथ ही साथ जो अभी तक के लीक्स है उनके बारे में बात करते हैं। इस फोन में आ सकते 4500 mAh के बैटरी बैकअप, साथ ही साथ 65 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, और इस फोन में आने वाले क्वाड कैमरा सेटअप और सेल्फी सेंसर जो है उसकी लीक अभी आई है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आ सकता है। अब ये सेम फीचर आपको कौन से फ़ोन में देखने को मिलेंगे? इंडिया के अंदर तो ये फ़ोन लॉन्च नहीं किया, ये फ़ोन जो है ये रियलमी की तरफ से आ रहे हैं। रियलमी ने लॉन्च किया चाइना के अंदर रियलमी X7 Pro। इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन अगर आप देखते तो लगभग सेम ही दिखाई देंगे, मतलब 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला पैनल, जो ब्राइटनेस है निट्स ब्राइटनेस वो जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, मतलब 1200 निट्स तक दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही साथ डिस्प्ले जो है वो 6.5 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है, मतलब ये तीनों चीज़ें तो लगभग सेम दिख रही है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो 91.6%, मतलब OnePlus 8T में कहा है उन्होंने 91.8, 91.6, मतलब ये भी लगभग सेम है। साथ ही साथ इस फोन में मिलता है 4500 mAh के बैटरी, और Realme भी आपको देता है 65 वाट के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, जैसे कि OnePlus 8T में आने वाला है। साथ ही साथ क्वाड कैमरा सेटअप और सेल्फी सेंसर जो कि OnePlus 8T के लीक्स आ रहे हैं उस हिसाब से 32 मेगापिक्सल का है, Realme X7 में 32 मेगापिक्सल का ही सेल्फी सेंसर है, मतलब ये फ़ोन OnePlus की तरफ से शायद Realme X7 के ही कुछ पार्ट्स यूज़ करके OnePlus जो है वो लॉन्च कर सकता है। चेंजेस क्या होंगे? प्रोसेसर के मामले में चेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि Realme X7 अगर आप देखते हैं तो उसमें Dimensity 1000 प्रोसेसर आता है, लेकिन इस फ़ोन में आता है Qualcomm Snapdragon 865 प्रोसेसर, ऐसे अभी तक के लीक्स बता रहे हैं। तो देखते हैं क्या OnePlus जो है वो OnePlus 8T को सच में रीब्रांडेड करके लॉन्च करता है या फिर नहीं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात प्राइस, अगर आप Realme X7 Pro की प्राइस देखते हैं चाइना के अंदर तो इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करते हैं तो कुछ 35,000 के अराउंड तीनों मॉडल्स आ जाते हैं इसके, मतलब बेस वेरिएंट से लेके हायर वेरिएंट तक 35,000 से 36,000 तक ये तीनों मॉडल्स मिलते हैं, जबकि OnePlus ऑक्सीजन OS होने की वजह से OnePlus 8T को लॉन्च कर सकता है, अभी तक के जो लीक्स आ रहे हैं उस हिसाब से 40,000 से ऊपर लॉन्च कर सकता है, और ऐसे भी लीक्स आ रहे थे OnePlus 8 से कम प्राइस रह सकती है। ये कम क्यों रह सकती है? ये भी एक रीज़न हो सकता है, और ये जो सारी कंपनियां हैं OnePlus हो, Realme हो, Oppo हो, एक ही कंपनी की सब कंपनी है, बीबी की इलेक्ट्रॉनिक्स की सब कंपनियां है, मतलब ये जो है ये अपने पार्ट्स शेयर कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो शायद OnePlus की तरफ से आने वाला OnePlus 8T एक रीब्रांडेड फ़ोन हो सकता है। Realme X7 बहुत जल्द इंडिया में तो लॉन्च नहीं होगा, इसी का एडवांटेज उठा के शायद OnePlus जो है OnePlus 8T में Realme X7 के ही पार्ट उठा के ज़्यादा प्राइस पे बेच सकता है। आपको क्या लग रहा है इसके बारे में, आप नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आपको लग रहा है OnePlus 8T भी एक रीब्रांडेड फ़ोन हो सकता है या फिर नहीं, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं।